खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भरतपुर प्रताप वाटिका मैरिज होम भरतपुर में पत्रकारण संघ होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन लोहागढ़ प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष उमेश लवानिया व महासचिव मुकेश कुमार के नेतृत्व में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग व गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव थे। विशिष्ट अतिथि जोगेंद्र अवान राज्य मंत्री व जिला कलेक्टर नथमन डिडेल रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल चौधरी ने किया। अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया, तो वहीं सभी ने ब्रज के कलाकारों के साथ फूलों की होली खेली। मेधावी छात्र छात्राओं और कल्पना सारस्वत रूपवास लक्ष्मी तिवारी महिमा शर्मा जयराज कुंतल कृष्ण कुंतल को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिले के सैकड़ों पत्रकार भी मौजूद थे। सभी सम्मानित पदाधिकारी साथी यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए भी उनका मैं बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी से, क्योंकि होली का त्यौहार है और बिल्कुल होली बहनों एक सांस्कृतिक थी शानदार आयोजन किया। सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ होली पर्व की, आने वाले पर्व की। बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि 5-7 प्रोग्राम जो है पत्रकार बंधुओं के द्वारा आयोजित होते हैं। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले दीपक लोहिया जी बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था, आज ये कर रहे हैं। पत्रकारों का तो एक ब्रश की भूमि है और जब ब्रश की भूमि होली आती है तो पूरा ब्रश जो है होली मग्न हो जाता है। छोटे से छोटा बच्चे को लेकर के और बुजुर्ग तक उस होली के रंग में रंगने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं और एक कामना करते हैं कि हम सब लोग इस होली के रंग में मिलकर के और जो गंगा जमनी हमारी संस्कृति है उस संस्कृति का संरक्षण करते हुए आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़े, प्रदेश को बढ़ाए, जिले को बढ़ाए, देश को बढ़ाए। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।